आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। सिवान में डकैतों ने हथियार के बल पर एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। घटना सिसवन थाना क्षेत्र के हुसैना बंगरा गांव की है, जहां हथियार से लैस डकैत घर में आकर परिजनों को बंधक बना लिया और करीब 6 लाख के गहने सहित कीमती सामान की डकैती की है। अचानक हथियार से लैस डकैत गांव में आकर हुसैना बंगरा निवासी फतेह सिंह के घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया। परिजनों को बंधक बनाकर बारी बारी से एक एक कमरे में घुसकर ज्वेलरी सहित कीमती सामान की डकैती कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मामले की तफसील में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से इलाके में डकैती हो रही है, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कैसे हुआ था घटना? हमारे पास 12:35 फोन आया था, मैं उठा तो फिर इधर नहीं आके लगे बंदूक लेकर वहाँ खड़े थे, जो वहाँ खड़े थे, फिर मैं दौड़कर गांव में गया। वहाँ जाके पूरा मतलब गांव में चिल्लाया कि चोर 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 चोर, पूरे एक आदमी पहुँचे बुरे लोग आए तो कहा तो सारा दरवाजा खुला है, सारे चोर भाग गए हैं, सारा सामान खा के अपना। बड़ी बुरा हाल, हर दिन मैंने तोड़े हैं, डकैती हुआ है कि मैं ऐसे। कितना का लगभग लूट हुआ है? कम से कम 5-6 लाख रुपये का तो गाने गए मेरे, 6 लाख रुपये का लमसम, दो परिवार का, दो हाथ, दो छतरी, दो पंखी, बल्ला कम्बल्ला, रुपया चल से यार 10,000 एक में था, इसी से काम हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें टीडी न्यूज के साथ, धन्यवाद।